नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। गाजीपुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महुआबाग गाजीपुर से आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदया गाजीपुर के नेतृत्व में लगभग 100 से अधिक महिलाओं द्वारा स्कूटी रैली निकाली गयी। स्कूटी रैली को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गाजीपुर में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रीमान जिलाधिकारी महोदया व पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा उपस्थित लोगों को मतदान हेतु जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदया द्वारा स्वयं स्कूटी रैली का नेतृत्व करते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से रैली प्रारंभ की गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी महोदया, एसडीएम गाजीपुर और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में स्कूटी रैली निकाली गई, जिसको आपने हरी झंडी दिखाई है। क्या उद्देश्य रहा है, क्या बताएंगे इसके बारे में? इसका उद्देश्य जो है प्रोग्राम जो चल रहा है, जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, मतदाताओं की परसेंटेज बढ़ाने के उन लोगों को एक तरह से प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम आज साहब के नेतृत्व में किया गया है। पूरे शहर में जो एक पिंक रैली निकल रही है स्कूटी की, ये इस बात का प्रतीकात्मक संदेश है कि जो माप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और जो अब तक का परसेंटेज रहा है गाजीपुर का, इसे अपने उत्कृष्ट पे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 जून को मतदान करने के लिए बाहर निकलें, उसी यही उसका उद्देश्य है। सर, आज बड़ी संख्या में महिलाएं डीएम साहब के साथ स्कूटी रैली में शामिल रही हैं, क्या मैसेज इस तरह से दिया जा रहा है? मैसेज ये है कि जो देश की आधी आबादी है, जिसके एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, उसी प्रकार से जो मतदान प्रक्रिया है उसमें भी समस्त माताओं बहनों से अनुरोध है कि जिनका वोट है वो जरूर वोट का अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें और सारे काम इस दिन छोड़ के 1 तारीख को सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद अन्य कार्य करें और महिलाओं के माध्यम से पूरे समाज को ये संदेश है, जब महिलाएं सब वोट डाल सकती हैं तो पुरुष की भारी संख्या में निकलें और इसे 100% करने का प्रयास करें। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से खबर समय जगत के लिए संवाददाता राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.